आज हमारे पास प्रेस्टीज PIC 6.0 V3 इंडक्शन है जो कि E7 एरर शो कर रहा है। चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये E7 एरर शो कर रहा है। चलिए इंडक्शन को खोल लेते हैं। E7 एरर 35 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेट के कैपेसिटर के शॉर्ट होने से शो करता है। चलिए कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इंडक्शन को फिर से टाइट करके चेक करते हैं। E7 एरर उस पाथ में लगे किसी भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर के ख़राब होने से आ सकता है। ये इंडक्शन को अब चेक कर लेते हैं।
पानी गर्म होना शुरू हो गया है। ये इंडक्शन सही हो गया।